आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जब से चुनावी माहौल शुरू हुआ है तब से ही विपक्षी नेताओं के घर पर छापेमारी देखी जाती है। विपक्षी नेताओं के घर पर घंटों की छापेमारी के बाद कुछ नेताओं के घर पर काफी पैसे बरामद होते हुए नजर आते हैं तो कुछ के घर पर कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर छापेमारी सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही देखी जाती है। और ऐसे ही एक और कार्यवाही कांग्रेस के खिलाफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जरिए देखी गई है। यहाँ पर जो पैसे बरामद किए जा रहे हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर विजुअल के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि पूरी अलमारी भरी हुई नजर आती है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो कांग्रेस के सांसद पर लगाए गए हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप है काले धन को इकट्ठा करने का, आरोप है इन पैसों को ऐसी जगह पर रखने का जहां पर सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि यहां पर जो धीरज प्रसाद साहू हैं, उनके घर में बेहिसाब नकदी का यहां पर माल बरामद होता हुआ नजर आया, जिसके बाद आपको बता दें जो ये शिकायत दर्ज करवाई गई है ये भाजपा के झारखंड इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू के खिलाफ यहां पर गिरफ्तारी की मांग की और इसी के तहत यहां पर पुलिस कर्मी पहुंचे उनके घर पर और यहां पर छापेमारी करते हुए नजर आए। जो आंकड़ा बताया जा रहा था वो 200 करोड़ था, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि गिनती अभी भी चल रही है और गिनती के जरिए ये आंकड़ा 225 करोड़ पहुंच जाता है। और यहां पर आपको बता दें कि जो मशीन यहां पर काउंटिंग कर रही थी वो भी खराब हो जाती है क्योंकि बेहिसाब नकदी कांग्रेस के सांसद के घर में पाई जाती है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। स्मृति ईरानी पलटवार करती हुई नजर आती है, मोहब्बत की दुकान को कहती हुई नजर आती है कि यह है कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान जो इस तरीके से चल रही है। तो सीधे सीधे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? जो 225 करोड़ यहां पर कैश बरामद हुआ है, क्या वाकई काले धन का इस्तेमाल यहां पर हुआ है? काला धन इकट्ठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के चुनाव में उठाती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।